मंत्री कमल पटेल इस समय एक्शन में हैं। वो खाद की कालाबाजारी, नकली खाद बीज सहित कृषि महकमे में गड़बड़ी को लेकर तत्काल एक्शन ले रहे हैं। ताजा मामला पवार कृषि सेवा केंद्र राजगढ़ का है, जिसके विरुद्ध नकली बीज रखने और विक्रय करने के चलते धारा 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस समय किसान रबी की बुआई के लिए तैयार है, खेत बना रहा है, उसको खाद की आवश्यकता, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह करके खाद उपलब्ध कराया है। हमने डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर सोसाइटी में 75% खाद और 25% बाजार में खुले में बेचने का व्यवस्था की है। हमने जहां कहीं भी गड़बड़ी आई, किसानों की शिकायत आई, त्वरित कार्रवाई की है। कल हमने खातेगांव के अजनास में राजगढ़ जिले में अवैध खाद विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, और अभी हमने निर्देशित किया है सभी कलेक्टर, सभी डीडीएस को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के निर्देश पर कि जहां भी कहीं भी गड़बड़ी है, कालाबाजारी है, कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।